तो यार आप लोगों को एक चीज़ तो पता हो गई कि रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है COVID-19 यानी कोरोना वायरस के चक्कर में। तो यार काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यार अभी गवर्नमेंट ने दो एप्लीकेशन लॉन्च की है, एक एप्लीकेशन जो हर एक के लिए यूज़ करने के लिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके नियर बाय में कोई कोरोना सस्पेक्टेड है नहीं है, और अगर होता है तो आपको अलर्ट कर देगा कि यार यू आर इन रिस्क। जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ग्रीन मार्क देख रहे होंगे, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है आरोग्य सेतु स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना COVID-19। तो इसमें एग्जैक्ट बता देगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, मतलब मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे नियर बाय में कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड नहीं है। तो यार ये आप किस तरीके से चेक कर सकते हो उसी के बारे में बात करूँगा। और गवर्नमेंट ने दूसरी एप्लीकेशन निकाली है सिर्फ कोरोना से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या एप्लीकेशन है। तो मैं आपको अभी दोनों एप्लीकेशन दिखाता हूँ, एक है COVID-19 फीडबैक, ये देख सकते हैं ये है वो एप्लीकेशन, कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाता है आपके कुछ डिटेल्स। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना COVID-19 का टेस्ट कराया है, नाम डिटेल्स और इसमें एड्रेस भर के सबमिट करना है। तो अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट होगी या नेगेटिव जो भी होगी आपको इसके थ्रू इजीली पता चल जाएगा। तो यार एक ये भी एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने निकाली है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है जो हर एक यूज़र के लिए है वो है आपकी सेतु, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आरोग्य सेतु। बेसिकली ये है आरोग्य सेतु, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है यार, आपको लॉगिन करना है, प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में आपको दिखाता हूँ, प्ले स्टोर में जाइए और लोगों एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यार काफ़ी लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हो सकता है आपको कोई और एप्लीकेशन मिल जाए इसी नाम से। तो आप ये देख सकते हैं पहली एप्लीकेशन है जो आपको दिख रही होगी आरोग्य सेतु, आप लोगों देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, इसको बनाया है NICE गवर्नमेंट मोबाइल ऐप ने, आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं, अगर आप दिख रहा होगा आपको मेरी स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है यार, इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल से मैं आपको एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, पूरे सेटअप के साथ मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में दिखा देता हूँ, ताकि आपको यार क्लेरिफाई हो जाए कि यार किस तरीके से आपको प्रिवेंट करेगी और ये किस तरीके से आपको सेफ रखेगी। तो मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। तो इसका सेटअप इस तरीके से ओपन होगा, आपसे पहले पूछा जाएगा कि यार आप किस लैंग्वेज में से यूज़ करना चाहते हो, तो आपको जो भी लैंग्वेज सही लगती है वो यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको करना है डायरेक्टली नेक्स्ट। फिर आपको उसके बाद ये कुछ चीज़ें बताएगा कि यार ये चीज़ें हैं और आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर आता है यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ, जो चौथा ऑप्शन मिलता है वो आता है आपको रजिस्टर नाउ। तो आपको क्या करना है, आपको इसको करना है रजिस्टर नाउ। फिर आपको ये बता रहा है कि यार हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप डायरेक्टली जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस दौरान भी मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें यह है कि यार आपकी कोई भी प्राइवेसी को लीक नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ आपके साथ ही बनी रहेंगी। तो उसके बाद आपको करना है आई एग्री, फिर ये परमिशन मांगे अलाउ करने की, अलाउ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना नंबर डालना है, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर अपना नंबर डालना है, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे और आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे नंबर डाल देंगे उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो जैसे वेरीफाई करना चाहता है कि आप जेन्युइन हो नहीं हो, क्योंकि कई लोग जेन्युइनली काम नहीं करते हैं और गलत नंबर डालते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टली आपके लिए आएगा नेम, ये सब चीज़ें डालने के लिए आएगा। मैंने ऑलरेडी मैंने इसको यूज़ कर चुका हूँ, तो इसमें मेरे को ऐसे नहीं आ रहा है। जैसे आप करोगे रजिस्टर, उसके बाद OTP डालते ही आपको एक आएगा कि यार अपना नाम, फुल नेम, एज, और आपने लास्ट 30 डेज में कहीं ट्रैवल किया, तो वो चीज़ आएगी। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, और ये आपसे दो परमिशन मांगेगा जिसके लिए आपको 24/7 वो चीज़ ओपन रहेगी, एक आपकी लोकेशन और एक आपका ब्लूटूथ, ये दोनों चीज़ें आपकी ओपन रहेगी ऑल द टाइम। जब भी आप कहीं जाते हो या आपके नियर बाय में कोई भी जो सस्पेक्टेड होता है वो पता चलता है, या उसके बारे में कुछ भी पता चलता है, तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको बता देगी, नोटिफिकेशन है। जैसे भी यहाँ पे ग्रीन है, जैसे ही कोई सस्पेक्टेड आता है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा या ऑरेंज टाइप से आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यार, अगर आपको हो, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ऐसे कभी ज़रूरत ना पड़े, बट इसमें आप ये देखेंगे COVID-19
अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जो ग्रीन में लिखा है COVID-19 हेल्प सेंटर, तो यार इसमें अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं स्टेट वाइज के हिसाब से, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है यहाँ पे। आप फिर आपको एक दूसरा मिलता है सेल्फ असेसमेंट, मतलब आपको अगर डाउट है कि यार हो सकता है कि आपको हो, तो आप ये सेल्फ असेसमेंट पर जाके टैप कर सकते हैं। तो ये आपसे कुछ नॉर्मल से सवाल पूछेगा, एक बॉट है जो आपसे सवाल पूछेगा, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर सवाल है उसके रिप्लाई करने हैं आपको, आप क्या हो मेल फीमेल जो भी है आपको वो रिप्लाई करोगे, एज पूछेगा, एज डालो, फिर उसके बाद आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र तो नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें डालनी है, वो जो चीज़ें पूछेगा तो वो आपको यहाँ पर सारे अपडेट करनी है। तो जैसे आप सारी चीज़ें भर दोगे सही सही जो भी है, तो फिर आ जाएगा आपको एक रिज़ल्ट बता देगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, लिखा है यू आर सेफ और आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अपलोड करती है यानी कि अपडेट करती रहेगी, तो इनका नीचे इन्होंने एक और चीज़ बना रखा है, एक और सेक्शन बना रखा है जिसमें ट्विटर के उनके सारे हैंडल के जो भी डिटेल्स होंगी आती रहेंगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर से भी ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये देखिए आप तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, लर्न मोर अबाउट COVID-19, COVID-19 डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो अगर आप लर्न मोर पे जाते हैं तो आपको एक पूरा एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी यार कि किस क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसी है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को इससे मिल जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो गई। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, इसमें दिखा रहा है COVID-19 डोज एंड डोंट्स, मतलब कि उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये सेम फाइल ओपन हो रही है, नेक्स्ट फाइल ओपन हो रही है, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए आप लोगों को आप लोगों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यार घर में रहो, निकलो मत कहीं घर से बाहर। तो ये दूसरी है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात यार ये बात है कि सेफ मेजोरिटी और आपको किस किस चीज़ का प्रोडक्ट, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए इस दौरान। जैसे भी आपको पता है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैल रहा है, तो हमें प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को घर में रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। तो इसमें तीसरा एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो ये आप देख सकते हैं और आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो यार ये तीनों चीज़ और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाया। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब भी आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें अपने फ़ोन में, फिलहाल के लिए जब तक आप यहाँ पर हो, जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं आती, इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना कीजिएगा। क्योंकि जो भी सस्पेक्टेड होगा उनके फ़ोन में भी ये चीज़ ऑन होगी, और जो उनका उनका जो लोकेशन है और ब्लूटूथ है उससे आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा और वाइब्रेट होगा आपका फ़ोन यार आपके नियर बाय में कोई सस्पेक्टेड है, तो आप उस टाइम पर वहाँ से निकल के बच सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ ऐप बहुत अच्छी है, ये ऐप बहुत अच्छी है। तो इसमें आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट अपने को ये करिएगा, बंद मत कीजिएगा कुछ भी चीज़, ना वाईफाई ना लोकेशन और ना ही ब्लूटूथ का। यार अगर आपको ये वीडियो आई है ना पसंद, तो कर दो वीडियो को शेयर, और यार अपने दोस्तों को बता दो, फैमिली को बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।